हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी है वो सिंपल सी आलू पालक बैंगन की सब्जी है, जो कि हर घर में ही बनाई जाती है। बस सबका अपना तरीका अलग होता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आलू और बैंगन को यहाँ पे काट के लिया है। दो आलू है और एक मीडियम साइज़ का बैंगन है, जिसका छिलका उतार के पानी में भिगो दिया है, जिससे कि ये काले ना पड़े। और आधा किलो के करीब ये पालक है, इसको भी साफ़ करके अच्छे से रख लिया है। तो हमारे यहाँ पे ये सब्जी जनरली लोहे की कढ़ाई में बनती है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप स्टील में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, लाल मिर्च डाला है सूखे वाले, तेज़पत्ता डाला है और पंचफोरन डाला है। पंचफोरन पांच मसालों का मिक्स होता है, जैसे कि राई, सौंफ, जीरा, मेथी। और ये सारे जब थोड़े भुन जाए तो इसमें कटा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्ची डाला है। जब वो सब भी भुन जाएँ तो एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है काट के। आप चाहें तो प्याज को नहीं भी डाल सकते हैं, वैसे भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मुझे इसमें प्याज पसंद है इसलिए मैं थोड़े से प्याज भी डाल देती हूँ। और जब प्याज सारे मसाले अच्छे से भुन जाएँ तो ये कटे हुए आलू और बैंगन डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे अच्छे से चलाते हुए। तो फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी हल्दी। और नमक और हल्दी ऐड करने के बाद ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये ना मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे ये सारा प्रोसेस होगा, कभी भी लो फ्लेम नहीं करना है इस सब्जी में। तो मैंने अभी मीडियम फ्लेम रखा है। तो ये सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके और इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। जब ये आलू और बैंगन थोड़ा आधा पक जाए ना, तब इसमें हम लोग पालक ऐड करेंगे। पालक को मैंने पहले ही अच्छे से धो के साफ़ करके काट के रखा है, तो इस स्टेज पे हम लोग पालक ऐड कर देंगे कटे हुए। और पालक को हमें मिक्स नहीं करना है, बस इसको ऐसे रख के ऊपर और इसको ढक देना है। तो सारे पालक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और इसको ढक दूँगी। और इसको हाई फ्लेम रहेगा अभी, जिससे क्या होगा पालक बहुत पानी छोड़ेगा और उस पानी की वजह से हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएंगी। तो जब ये सब्जी थोड़ा पक जाए ना तो नीचे से चिपकने लगता है, तो जब ये चिपकने लगे तब ये सारी सब्जियों को आप अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें और कोई भी मसाला नहीं ऐड करना है, बस जो काट के मसाले हमने डाले थे और जो पंचफोरन था उससे ही बहुत ही फ्लेवरफुल और अच्छा बनता है। तो ये सबको मिक्स करने के बाद इस थोड़ा सा ढक देंगे और 5 मिनट तक और पकाएंगे, जब तक कि हमारे आलू बैंगन सब कुछ अच्छे से पक ना जाए। तो ये 5 मिनट हो गए थे, मैंने कहीं पे भी इसमें पानी नहीं ऐड किया है। ये जो थोड़े से पानी दिख रहे हैं वो सब्जियों का पानी है। तो आप चाहें, अगर आपको पानी पसंद हो तो आप इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर लें तो थोड़ी ग्रेवी वाली बन जाएगी। वैसे बिना पानी के ये सूखा सूखा बहुत अच्छा आता है और ये लोहे की कढ़ाई की वजह से इसमें एक बहुत ही सोंधापन रहता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो हमारी सब्जी बन गई है अच्छे से, इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। गैस को ऑफ कर देंगे और देखिए कितना अच्छा हलवाई स्टाइल लग रहा है। क्योंकि हलवाई भी जब कोई सब्जी बनाते हैं तो वो तो सारी सब्जियां ही लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।